अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग का करते हैं हम स्टार्ट। अब जो है हमने जो है अभी नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने करनी है जी इफ्तारी की तैयारी। और अभी पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, मुझे पता नहीं कि वो शोर इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर जो मुर्गे वगैरह ना वो नीचे आए हैं मेरे, वो बोल रहे हैं। अभी ये वाला जो सामान आप सारा देख रहे हैं ये हमारी शॉप के लिए आया हुआ है। ईद का स्टॉक जो है वो आ गया और यहाँ पे हमने इकट्ठा करके रख लिया है। और यहाँ पे हमारा बेबी जो है ये मस्तियाँ कर रहा है, खेल रहा है। ये अभी नमाज का टाइम, इसके ना तीथ निकल रहे हैं ना, ये बड़ी उलझन करता है ये। अभी हम पढ़ते हैं नमाज। नमाज पढ़ने के बाद हम इफ्तार की जो है वो तैयारी करते हैं और साथ में अपना जो व्लॉग है वो कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आ जाइए, हमारी अभी जहाँ सफाई होने वाली, इसको ज़रा इग्नोर करें, ठीक है। तो अभी इनके काम चेक करें ज़रा। ये आज फ्राई में बननी है चिप्स, तो इनके काम ज़रा देखें। अनार के साथ को साथ लगा के ना, हमने इस पर ना लगाई हुई है, ये वैसे होती है वैसे, हमने इस पर ना सेट की हुई है। तो ये ऊपर आलू रख के और उसे निकाल रही हैं बाजियाँ, बहुत ही अक्लमंद है। देखें है निकल रही है ना चिप्स, निकल रही है ना। इसी बात भी हो जाए जी, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, क्योंकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। अब क्या है, करो जोर लगाओ ऐसे, देखा ये निकल आई ये इस तरह से। ये भी इसको ना बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद फिर इसको ना फ्राई करेंगे, फिर उससे ज़्यादा जो क्रंची होती है ना वो हो जाती है। ये देखें, ये वेरी गुड, सारे हो गए, बड़ा ज़ोर है भाई आप लोगों में। अनार को ना गिरा देना बस, ये ध्यान रखना, ये ना ऊपर से एक छिपकली भी आ जाए नीचे आके माने के मुंह के ऊपर गिरेगी, मानो फिर क्रच क्रच करके खा जाएगी। इसका कौन सा रोज़ा है, क्या होता है, खा लेना फिर, क्या गोश्त ही होता है वो भी हो गए सारे बस, और करो ये भी थोड़े हैं, नहीं करो और कम में आलू काफी। ये जी हमारी चिप्स जो है ना वो रेडी हो चुकी इस तरह से, दो सही है बस। हाँ हाँ, 5 मिनट लगते हैं। ये देखिए हमारे मुर्गे, ये नहीं ऊपर रहते, बताया था ना आपने, ये हमारे मुर्गे हैं पाले पाले बीबी चूनी चूनी। ओए जला जला, वो इनका पानी खत्म हुआ, पानी डालो सना। ये और ले आया है, ये ज़्यादा हो गए, ये दो थे इधर ना, दो अभी दो, और ये चार कॉकटेल, और ये छः। अच्छा, इसमें से दो निकाल के ना, दो ये छोटे थे, दो वो बड़े निकाल के इसमें ऐड कर दिए, रख दी। और जो इसमें थे ना वो इन्होंने इसने यहाँ पे छोड़ दिए दोबारा से। फिर चले अभी टाइम शॉर्ट है, नमाज़ पढ़ते हैं, इनको पानी वगैरह डालते हैं, तो अपना काम जो है क्यारी हम करते हैं। पौधों को भी पानी डालना, सफाई वगैरह सारी करनी। देखा आलू काम थे ना, चलें जी अपना काम जो है वो कर रही हैं और मैं जो अपना काम है वो करती हूँ। नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद जो काम होता है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो जो है वो मैंने अपनी कर लिया कंप्लीट। ये मैडम जो है अपनी बैठ के रात की जो तरावी पढ़ानी है वो सारा जो है वो तैयार कर रही है। आज रात को गलती का कोई चांस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, तो ये है ना जो ये मोबाइल पे लगी हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे चारपाई के ऊपर बैठ के हमारा पुश्तानी जो है काम वो चला आ रहा है। नीचे बैठ के पाँव जो है वो चटाई के ऊपर लगते हैं, तो मेरे से वो अपने गीटे दर्द नहीं करवाए जाते तो यहाँ पे एप्पल आ गए हैं जी, मेलन आ गया है, लगाठ आ गई है, और इसमें खजूरें ऐड करेंगे और क्रीम वगैरह जो है वो सारी चीजें ऐड करके जो फ्रूट चाट है वो हमारे रेडी हो। लुगाठ चले अंदर देखते किचन में, वहाँ वहाँ क्या सीन है और फ्राई में आज क्या बन रहा है। ये मतलब बेबी ये चिप्स के लिए हमारे जो आलू है ना वो थोड़े से बॉईल कर लिए हमने, अब इसको मसाला वगैरह लगा के ना तो इसको करेंगे फ्राई।
और क्या बन रहा है, बाकी तो खाली पड़ी थी। यहाँ पे हमारे दही भले के लिए जो आलू हैं वो बॉईल हो रहे हैं, यहाँ पे दूध और देखते हैं। हमारा आ गया है जी वाटरमेलन, उस दिन तो वाइट वाइट निकला था लेकिन आज देखते हैं जी आज वाइट निकलता है या फिर रेड निकलता है। ठीक है, इसको भी रखते हैं, अभी काटेंगे। दही भले हमारी ये पड़ी हुई हैं इधर इधर, ये चने फ्रीज, ये इधर। चलो यहाँ पे पानी भरने लगा है तो अभी चलते हैं जी अपना दूसरा काम देखते हैं। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे चटाई वगैरह लगा दी है, अभी मैं बैठती हूँ फ्री। पुदीने की करने लगी है हार्वेस्टिंग, हमें पुदीना चाहिए था, हमने घर में लगाया और मैं इस तरह से ना इसके पत्ते ही उतार लूँगी, बाकी जो टहनियाँ ना वो इसके साथ ही रहने दूँगी, क्योंकि बाद में जब पुदीना इस तरह से उगेगा ना तो वो साथ ही उगना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से मैं अब इसको सारे उतार लेती हूँ। ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ किया करें, क्योंकि अब जो है मार्केट में जितनी भी चीज़ें इस तरह की आ रही है ना वेजिटेबल में, वो ऑर्गेनिक नहीं होती। आप घर में जितनी चीज़ें जो है लगा सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हों तो घर में आप लगाएं, ताकि आपको पता हो आप लोग ऑर्गेनिक चीज़ें खा रहे हैं। तो इस वजह से हमने भी घर में जी पुदीना लगाया हुआ है, बट हमने सब्ज़ी नहीं लगाई क्योंकि हमारे पास ना उतनी स्पेस नहीं है। हम किस्मत चेक करते हैं, हमारी आज जो किस्मत है वो कैसे निकलती है, चला गया काके तो खुद ही टेढ़ी। वाह जी वाह, सही निकला, दफड़बी किस्मत, उस दिन से कुछ बेहतर निकला। चलो अभी काटते हैं और फिर दिखाते हैं। हमारा ये न्यू है बेबी पैरेट्स, वो देख रहे इसकी मस्ती, ये अहमद जो है ना इसको बाहर निकाल के लाया। बच्चा पार्टी पढ़ के आ गया उस पारा। हाँ पुत्री, पुत्र जी खेडो, खेडो पुत्र जी खेडो। डैडी हाय करो, हाय हाय, शक्ल देखो बारा, बाबा को बोलो हाय बाबा, हाय बाबा, बोली बाबा को आवाज दोगे तो बोलेंगे ना बाबा, कैसे हैं, कैसे हो, बाय कर दो वाली, बाय कर दो, बाय, अब्दुल वाली करेगा, अमीन को रमना, आप इस चाचू को आवाज दो, बोल किधर है, आप इस चाचू को, बोल किधर है, आप इस चाचू को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोर वीडियो के लिए साथ में बेल आइकन को। यहाँ पे जो है हमारी फ्राइज बन रहे हैं, फ्राइज बहुत मजे के बन रहे हैं और आपको पता तो है। फिर यहाँ पे जो है हमारा पुदीने वाला पानी जो है वो भी रेडी हो गया है और दूसरी तरफ जो है हमारा ये रेडी हो गया है इमली और आलू बुखारे वाला पानी, दोनों पानी जो है हमारा रेडी हो गया। हम अपने बर्तन जो है इनको बाहर रखते हैं, फ्रूट चाट जो है हमारी रेडी हो गई है, मेलन जो वाटरमेलन जो है हमने कट कर रही थी वो भी कट हो गया, इसको फ्रिज में रखा ठंडा है। हमारे दही बल्ले वो भी भाभी ने जो है ना रेडी कर ली, आपकी सोफिया ने वो भी हो गए। ये जो है हमारी खजूर है इसको पानी में भिगो के, क्योंकि इसके ऊपर से जो थोड़ा वो जो है ना मट्टी गर्द उतर जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी देर इसको भिगो के रख दीजिए। वो जो हमारी भाभी है ना वो कह रही है कि भाभी का नाम क्यों लेते हो, ना लिया करो नाम, भाभी का नाम लेने से वो जो है मोहर लग जाती है व्लॉग में, बताए अब आप मोहर लगती है कि नहीं लगती। इधर जो है हमारे बर्तन भी रख लिए, अब इनको बाहर लेके जाते हैं सारे बर्तन। इस तरह से हमने फ्राई करके जिबाई निकाल दिया है और दूसरा जो पूड़ा है वो हमने अंदर डाल लिया है। तो अभी जो है हम करते हैं जी इफ्तारी, अब मिलते हैं इफ्तारी के बाद, इफ्तारी के बाद जो है व्लॉग अपना मैं कंटिन्यू करूँगी।
few moments later. तो अभी हो गया है जी इशा का टाइम, तो अब हम पढ़ेंगे जी तरावी नमाज। और तरावी नमाज पढ़ने के लिए हमारे घर में जो है औरतें वो आ चुकी हैं, तो अभी हम पढ़ते हैं नमाज। और नमाज पढ़ने के बाद फिर हम मैं जो है वो अपनी जो वीडियो है वो इसको जो है एडिट करूँगी और अपलोड करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग आज का पसंद आया होगा। अपना और अपने गिर्द नमा कर सबका रखे ख्याल। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए व्लॉग के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।